अतिक्रमणकारियों सहित नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए भवनों पर लगातार नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज नगर निगम द्वारा नियमों की अनदेखी कर बनवाए गए कॉम्प्लेक्स को जेसीबी मशीन की मदद से ढा दिया गया है। आपको बता दें कि शहर के रतैरा में बने कॉम्प्लेक्स को आज नगर निगम व राजस्व अमले की संयुक्त टीम ने पहुंचकर जेसीबी की मदद से कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया है। उक्त कॉम्प्लेक्स आशा पटेल का बताया जा रहा है, जिसमें कुल 11 दुकानें बनी हुई थी, जिसमें 6 ऊपर के भाग में और 5 बेसमेंट में थी, जो कि नगर निगम की गाइडलाइन के विरुद्ध बनाई गई थी। वहीं नोटिस के बाद भी भवन स्वामी ने खुद से नहीं हटाया था निर्माण, इस कारण प्रशासन द्वारा इस कॉम्प्लेक्स को आज गिराने की कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाने सहित गाइडलाइन के विपरीत किए गए निर्माण के ऊपर कार्रवाई कर रहा है और आज भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार रितेश शुक्ला, नगर निगम से अधिकारी ए पी शुक्ला, अच्छे लाल पटेल सहित अन्य अभियंता एवं पुलिस बल मौजूद रहा। प्रस्तुत है नगर निगम अधिकारी ए पी शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अनुसार। अतिक्रमण बिना परमिशन के निर्माण किया गया दुकानों का, उसको हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। किसके द्वारा निर्माण किया गया था, कितनी दुकानें हैं? ये दुकान आपके सामने हैं, 6 दुकानें हैं और नीचे बेसमेंट में भी दुकानें हैं। ये आशा पटेल जी का बिल्डिंग है। ये गाइडलाइन क्या है जी? गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन ये कि रोड सीमा 20 मीटर छोड़ने के बाद 6 मीटर फ्रंट एमएस छोड़ने के बाद निर्माण करना चाहिए था, वो उसका पालन इन्होंने नहीं किया। अभी कितनी दुकानों को कॉम्प्लेक्स, पूरा कॉम्प्लेक्स टूटेगा? हाँ, इनका पूरा कॉम्प्लेक्स।